बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में गिवन है कि स्ट्रिंग विथ वन एंड फिक्स्ड ऑन अ रिजिड वॉल पासिंग ओवर ए फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस पुली एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द वॉल हैज ए पॉइंट मास एम इक्वल्स टू 2 kg कैपिटल एम इक्वल्स टू 2 kg अटैच्ड टू इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द वॉल ए मास ऑफ एम दैट इज इक्वल्स टू 0.5 kg attached at the free end is held at rest so that the string is horizontal between the wall and the pulley and vertical beyond the pulley. ठीक है, what will be the speed and which the mass m will hit the ground when the mass m is released. ठीक है, so जब mass m capital M wall को hit करेगा, ठीक है, तब small m का जो mass है, ठीक है, उस मास का वेलोसिटी कितना होगा ये हमें फाइंड करना, स्पीड फाइंड करना होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेते, की कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, so from conservation of energy we can say that change in kinetic energy plus change in potential energy, ठीक है, ये क्या होता है, zero होता है। ठीक है, that means we can say in this case यहाँ पर दो particles है, so दो particles के लिए हमारा हो जाएगा change in kinetic energy for particle M plus change in kinetic energy फॉर आवर पार्टिकल स्मॉल एम प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आवर पार्टिकल कैपिटल एम प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल एम विल बी जीरो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर गिवन है कि मास एम कैपिटल एम इज 2 kg, ठीक है, एंड स्मॉल एम का मास है 0.5 kg। ठीक है, नाउ जाहिर सी बात है अगर इस सिस्टम को हम छोड़ देंगे, ठीक है, मास कैपिटल एम ज्यादा है और मास स्मॉल एम कम है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एंड ये वाला जो मास है ये नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर के यहाँ पर हिट करेगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि जब ये पार्टिकल आके हिट करेगा तब ये स्मॉल एम मास का वेलोसिटी और स्पीड कितना होगा। ठीक है, सो इस पिक्चर को हम अगले पेज में और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वॉल, उसके साथ एक स्ट्रिंग में एक मास एम है कैपिटल एम, ठीक है, उसके साथ और एक पुली है यहाँ पर, जैसे दिस इज अ पुली, दिस इज अ फिक्स्ड पुली एंड यहां पर एक स्मॉल एम मास। ठीक है, नाउ जब इसको रिलीज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये यहां पर आके हिट करेगा, ओके, लेट्स से इस पॉइंट पे आके हिट करेगा। ठीक है, तो कब, तब क्या होगा, इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी, इसको डी। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी वाला जो स्ट्रिंग है ये तो यहां पर रहेगा, ठीक है, बी बी डैश हो जाएगा, लेट्स से, ठीक है, सो ए बी इक्वल्स टू ए बी डैश 1 मीटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग कांस्टेंट है और हमें गिवन है कि ये वाला स्ट्रिंग दैट इज द पॉइंट मास एम टू इज अटैच टू एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, सो ए बी हमें गिवन था 1 मीटर। ठीक है, सो ए एंड सी, ए सी हमें गिवन है 2 मीटर, दैट मीन्स बी सी क्या हो जाएगा, ये भी 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रिंग कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एंड द मास एम ऊपर उठ जाएगा थोड़ा, ठीक है, लेट्स से कि इतना ऊपर उठ गया। ठीक है, इसको हम एक्स बोल देते हैं। ठीक, सो यहां पर हम फाइंड करेंगे कि ये वाला डिस्टेंस क्या है।
ठीक है, दैट इज बी डैश सी। बी डैश सी क्या हो, बी डैश सी होगा रूट ओवर ऑफ टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर प्लस ए बी डैश स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आएगा रूट ओवर ऑफ फाइव। ठीक है, तो यहां पर एक्स क्या होगा, दैट इज कितना हाइट ऊपर उठेगा वहां से एक्स हो जाएगा ए बी डैश प्लस बी डैश सी। ठीक है, माइनस ऑफ ए सी। ठीक है, सो एक्स क्या हो जाएगा ए बी डैश इज वन बी डैश, बी डैश सी क्या है रूट फाइव एंड ए सी इज माइन टू। ठीक है, तो माइनस टू हो जाएगा, सो यहां से एक्स का वैल्यू आएगा माइनस वन मीटर। ठीक है, सो स्मॉल एम मास रूट फाइव माइनस वन मीटर ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे दैट टाइम्स फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दैट काइनेटिक एनर्जी का चेंज दैट डेल के ई फॉर द मास एम प्लस डेल के ई फॉर द मास स्मॉल एम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फॉर कैपिटल एम एंड फॉर स्मॉल एम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इनिशियली तो इन सबका जो काइनेटिक एनर्जी है ये जीरो है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, वी क्या है, हमने मान लिया कि जब ये हिट करेगा तब इसका वेलोसिटी वी है, मतलब मास कैपिटल एम का वेलोसिटी वी होगा, सो स्मॉल एम का वेलोसिटी क्या होगा जब वो हिट करेगा ये होगा वी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कैसे हुआ, ये एंगल क्या है थीटा है। ठीक है, सो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा वी कॉस थीटा। ठीक है, तो यही होगा वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल एम मास। ठीक है, तो यहां से कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 2 मीटर, हाइपोटेनियस इज 5। ठीक है, सो कॉस थीटा इज 2 बाय रूट 5। ठीक है, तो हमें दोनों का वेलोसिटी मिल गया। अब काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल एम क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो था। ठीक है, प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉल एम दैट इज हाफ ऑफ एम वी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसका भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, प्लस क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज ऑफ मास एम। ठीक है, ना मास एम पहले ए पॉइंट पर था, ठीक है, बाद में यहां पर आ गया, दैट मींस ये वाला डिस्टेंस ठीक है 1 मीटर होगा। ठीक है, दैट मींस इसका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा नेगेटिव ऑफ, क्योंकि नीचे आ रहा है, नेगेटिव ऑफ कैपिटल एम जी इंटू 1 मीटर। ठीक है, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास स्मॉल एम क्या हो जाएगा, दैट इज स्मॉल एम जी एक्स, एक्स क्या है रूट फाइव माइनस वन, सो एम जी रूट फाइव माइनस वन। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम का मास गिवन है 2 kg, सो ये हो जाएगा हाफ इंटू टू, ठीक है वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 0.5 मास ऑफ स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 4 बाई 5। ठीक है, माइनस ऑफ एम इज 2, सो एम इंटू 2 × 10 दैट इज 20 हो जाएगा, ये 20 प्लस ऑफ 0.5 × 10 दैट इज 5 × √5 − 1। ठीक है, ये हो जाएगा जीरो के इक्वल। ठीक है, सो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं।
ठीक है। इक्वेशन वन को अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा। सो इक्वेशन वन विल बिकम वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई फाइव, ठीक है, क्योंकि वी स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि टू से टू कट जाएगा, और यहाँ पर 1.5 मीन्स 1/2, सो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, और ऊपर 4, सो यहाँ से 4 से यहाँ कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई फाइव, नेगेटिव ऑफ 20 प्लस 5 इंटू रूट 5 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। सो यहाँ से v का वैल्यू क्या है, v विल कम, सो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर लेंगे, ठीक है, क्योंकि v नेगेटिव नहीं होगा, तो ये होगा रूट ओवर ऑफ 13.54 डिवाइडेड बाई 1.25, ठीक है, ये आ जाएगा 3.29 मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द कैपिटल एंड मास जब वो वॉल पर हिट करेगा वो होगा 3.2 मीटर पर सेकेंड, 29 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो द स्पीड ऑफ द मास इन व्हेन इट विल हिट द वॉल इज v इज इक्वल टू 3.29 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंडिंग, बेस्ट ऑफ लक।